मुबारक हो बहुत बहुत रूपा जी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगी आपकी अपकमिंग फिल्म फरिश्ता खेसारी जी के साथ में आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगी? हाँ, सबसे पहले मैं हूँ पूजा गांगुली जी, हूँ तो फिलहाल कलकत्ता से बॉम गर्ल, पर मैं कर रही हूँ भोजपुरी। अपना फरिश्ता रिलीज़ हो रहा है 9 तारीख को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे पहले खेसारी जी के साथ मेरा 3 फिल्म रिलीज़ हो चुका है, पर अभी फरिश्ता को लेकर एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ चुका है, क्योंकि अपना ट्रेलर आने के बाद वो ट्रेंडिंग में आ चुका है, अभी ट्रेंडिंग में 2 में है। तो ये जितने भी कलाकार हैं इस फिल्म में, जितने भी डायरेक्टर से लेकर राइटर जो भी है, सब लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ चुका है सबका ही, तो मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद, इससे पहले भी मैंने जितना भी पिक्चर किया है उसमें देखा जाए तो ठीक है, मतलब रिस्पांस तो अच्छा ही मिला है, पर इसमें तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पांस मिल गया मुझे। खेसारी जी के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था इसमें? खेसारी जी के साथ काम करना मतलब विदाउट डर, मतलब जैसे कि होता है कि बिग स्टार के साथ अब जब काम करने जाते हो तो टेंशन होता है कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि कि एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम मेरा, जैसे कि मैं बंगाली हूँ और मुझे बोलना पड़े भोजपुरी, और शूटिंग के टाइम में अगर मेरे वजह से रीटेक लेना पड़े तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए जब मैं डायलॉग डिलीवरी करती हूँ तो थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, पर जब मैं खेसारी जी के साथ रहती हूँ, क्योंकि कूली नंबर 1 से मेरा पहला पिक्चर शुरू हुआ, उसके बाद एक साजिश जाल, उसके बाद शादी हो तो ऐसे, रवि फरिश्ता, तो 4 फिल्म जैसे हो रहा है, तो उसके वजह से लाइक जब मैं उसके साथ रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और देखा जाए कि जब डायलॉग डिलीवरी होता है तो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत आराम से समझाते हैं। रूपा जी, अगर बात करें तो कंफर्ट जोन कितना रहता है? कंफर्ट जोन, ओके, कंफर्ट जोन कितना रहता है? अच्छा, जैसे कि हाँ, जैसे कि लाइक जब हम शूटिंग पे जाते हैं, एक तो एज ए को स्टार वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, डायलॉग जब स्क्रिप्ट आता है तो मैं तो उनसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ शूटिंग से पहले कि कैसे क्या करना है नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत ज़्यादा समझा देते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही मैं कंफर्ट हूँ बोला जाए तो ऐसा। और कुछ शूटिंग के बारे में, कहाँ इसका शूट हुआ था, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए, कोई ऐसी नटखट बातें वहाँ पे कि इतना कुछ होता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, हाँ। तो कोई ऐसा खास जो आपके दिल को छू गया हो? हम लोगों का शूट था लखनऊ में, हम लोग लखनऊ में थे, मुझे याद है आप ट्रेलर देखोगे तो वहाँ पे अपना एक गाना है करिया ड्रेस, तो मुझे याद है लास्ट अप्रैल में 48 डिग्री था जब वो गाने का शूट चल रहा था हम लोगों का, मतलब गर्मी मतलब आप सह नहीं पाओगे, ऊपर से मुझे ब्लैक ड्रेस पहनना पड़ा, हमको मालूम है कि ब्लैक से गर्मी ज़्यादा लगते, पूरा बार बार हम लोग नीचे पानी डाल डाल के वो गाना का शूट कंप्लीट, क्योंकि पूरा गाना डे लाइट में था तो सब लोगों का टेंशन था कि गाना कंप्लीट करना है, पर जब ट्रेलर आया, क्या होता है ना कि कुछ बोलते हैं कि वो कष्ट का फल आया, मतलब ऐसा लगता था कि वो ट्रेलर आने के बाद ना वो जो सुकून मुझे मिला कि उस टाइम इतना तकलीफ़ हो रहा था वो गाने शूट के टाइम में, बार बार मुझे याद है सिर्फ पानी पी रहे हैं, और मतलब नॉट मी, कोरियोग्राफर डायरेक्टर जितने भी सपोर्टिंग डांसर लोग थे सब लोगों को बार बार रुमाल से ऐसे 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 करे, फिर भी तो हम लोगों को पंखा मिलता है, हम लोगों को छत्ता मिलता है, वो लोग तो मतलब आजू बाजू में सब ऐसे ही बैठे थे, मतलब सब लोगों ने जितना कष्ट किया है ना ये गाना रिलीज़ जब हो रहा है सबको मालूम पड़ेगा, मतलब ऐसा है। और बाकी तो शूटिंग के टाइम हम लोग बहुत मस्ती करते करते शूट कर लेते, कब शूट ख़त्म हो जाता है समझ भी नहीं आता, और जब वापस आते हैं तो लगता है कि फैमिली छोड़ के घर आ रहा है ऐसा लगता है। कितनी हर आर्टिस्ट को एक बड़ी उम्मीद होती है अपने हर काम से होती है, लेकिन इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीद है? बड़ा यूनिक टाइटल है, भोजपुरी में सबसे हटके टाइटल है शायद इस फिल्म का,
तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से और आपका किस तरह का कैरेक्टर है इस फिल्म में? ओके, पहले मैं आती हूँ अपना कैरेक्टर के ऊपर। बचपन का प्यार, आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो अगर आपसे दूर चले जाए तो कैसा फील होता है, वो दर्द कैसा होता है, और जब वो प्यार आपके सामने आते हैं और आपको पहचान नहीं पाते, तो वो जो दर्द है वो इस लड़की के ऊपर दिखाया गया है कि जो उससे मतलब जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करती, इतना ज़्यादा प्यार करते, जब वो सामने आ रहे हैं तो उसको पहचान ही नहीं पा रहे। लाइक मतलब वो जो दुख है, वो कैरेक्टर मुझे यहाँ पे प्ले करना पड़ा। एकदम ही अलग कैरेक्टर है, मतलब जितना भी मैंने फिल्म किया है आज तक, एकदम ही अलग कैरेक्टर है उसमें। मतलब वो दुख, वो आँख से पानी, जो भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि इसमें इतना दर्द है तो फिल्म में कितना दर्द सहना पड़ा, मतलब ऐसा है। और एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें जो भी है, सबको दिख रहा है कि ये ट्रेनिंग में आ चुका है। तो क्या होता है ना, हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमको सोना चाहिए, जब सोते हैं तो लगता है कि एसी चाहिए, जब एसी मिलता है तो लगता है कि यार और भी बहुत कुछ चाहिए। तो उम्मीद भी ऐसी ही चीज़ है। जब हम लोग शूटिंग किए थे तब लगता था कि चलो कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद जब ट्रेलर आए तब और अच्छा लगने लगा, जब ट्रेलर ट्रेंडिंग में चले गए तो और भी उम्मीदें बढ़ने लगा। अभी सामने 5 तारीख को मेरा कड़िया वाला ड्रेस जो गाना है वो रिलीज़ हो रहा है, तो उम्मीद का कोई लिमिट नहीं है, मतलब उम्मीद बढ़ता जा रहा है इस फिल्म से, ऐसा है। रियल जिंदगी की बात करें, अभी आपने बचपन का प्यार, कुछ ऐसा दर्द क्या रियल जिंदगी में भी मतलब सह चुकी हैं आप? बचपन में तो प्यार नहीं हुआ था, थोड़ा बड़ा होने के बाद प्यार हुआ था, और अभी वो प्यार मेरे पास नहीं है। और मेरे लाइफ में भी अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ हुआ था, सॉरी, जो भी मेरे पास नहीं है। और उसके बाद तो मैं प्यार व्यार के चक्कर में गई ही नहीं, वो अलग बात है। अभी फ़िलहाल मेरे लिए अपना काम से ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती, ऐसा है। और कुछ अपकमिंग आने वाले और कुछ प्रोजेक्ट हैं? हाँ हाँ, अभी मेरा एक शूट शुरू हुआ है चिंटू के साथ, फिल्म शूट चालू है। और सामने अपना कल्लू के साथ एक फिल्म शूट किया है, उसका भी शायद 1-2 दिन में उसका भी पोस्टर आने वाला है, फिल्म राज, जिसका डायरेक्टर है लाल बाबू पंडित, SR के म्यूज़िक से है। और जैसे मैं हूँ बॉन्ग बंगाल से हूँ, तो बंगाल से भी मेरा 2 पिक्चर रिलीज़ होने वाला है, 2009 और एक स्ट्रेंजर। तो सब रिलीज़, मतलब अभी धीरे धीरे सब रिलीज़ हो रहा है, ऐसा है। अगर तीनों स्टार की बात करें, जैसे भोजपुरी में सबसे ज़्यादा कंफर्ट किसके साथ में आपको फील होता है? मतलब तीनों स्टार का ही नाम लेना पड़ेगा ऐसा? नहीं, किसी एक का आपका चूज है, खेसारी, पवन, निरहुआ? देखा जाए तो मैं काम किए हूँ खेसारी जी के साथ और कल्लू के साथ, जितना भी फिल्म अभी तक किए हैं, तो मेरा पहला तो है ही खेसारी जी, है तो सुपरस्टार, लोग तो चाहेंगे कि सुपरस्टार के साथ ही काम करें। और मेरा पहला चॉइस खेसारी जी है और सेकंड चॉइस कल्लू है, दोनों ही बहुत अच्छा। अभी तक मैंने काम नहीं किए तो मैं बोल नहीं पाऊँगी। हाँ, ज़रूर ज़रूर, डेफिनेटली उन लोगों से भी मेरा, जैसे कि मैं CCL में गई थी जयपुर वाला में, तो उसमें मैं दिनेश लाल जी से भी मिले, तो अमरूपाली दुबे से भी मिले, तो है मतलब इच्छा तो है कि सबके साथ काम करें। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप निभाना चाहती हो? पुलिस, मुझे पुलिस का कैरेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब भी रास्ते से जाती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उन लोगों का जो पावर होता है ना, मुझे लगता है काश वो पावर मुझे मिल जाए। तो पुलिस का कैरेक्टर मैं ज़रूर निभाना चाहती हूँ कोई भी फिल्म में, और मार धोड़। अगर आपकी बात करें तो कैसे आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, आप कोलकाता से, क्या बचपन का ड्रीम था एक्ट्रेस बनने का, मॉडल, या कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डीप करेंगे? छोटा सा स्टोरी में बताती हूँ, मैं बहुत छोटी थी और मेरे सामने फर्स्ट टाइम TV आया, वो जो छोटा छोटा TV तब होता था, तो अचानक मैं देख रही हूँ, हाँ, तो मैं देखती थी कि ऐसे पिक्चर में गाना चल रहा है, मुझे गाना वो भी याद है, बेबी 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 मुझे लोग क्यों बोले, तो वो गाना चल रहा था और मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी इतने सारे लड़के
इसके अंदर छोटा सा बॉक्स के अंदर कैसे घुस गए। तो मम्मी ने बोला वो पीछे से चलाया था, और मैं सच में इतना बुद्धू थी, और टीवी के पीछे से मैं हाथ देके ऐसे देख रही हूँ कि अरे मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है, तो इतना सारे लोग कैसे अंदर चले गए। तो वो एक जो क्यूरियोसिटी होता है ना, उसके वजह से मेरा था कि मैं भी उसके अंदर जाऊंगी कहीं ना कहीं से। तो धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी, तब मुझे पता चला कि टेलीविजन्स क्या होता है, यहाँ पे कैसे क्या करते हैं। तो धीरे धीरे वो तो था। मुझे याद है 2012 मैं ऐसे ही रास्ते से, कलकत्ते से ही एक ऐसे ही रास्ते से मैं चल रही थी। पता होता ना कि एक होता है कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगते हो ना, या फिर आपके दिल में कुछ होता है ना, तो ऑटोमेटिकली होता है, आज नहीं तो कल यूनिवर्स सुन लेते वो चीज़ें, अगर आप उसके लेके ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग देखते कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को काम नहीं मिलता है। मैं ऐसे ही पैदल चल रही थी और मुझे ऐसे ही बुलाया किसी ने, अचानक मुझे बुला के बोल रहा कोलकाता में, हाँ, तो अचानक मुझे बोला कि तुम ऐसे टेलीविजन में काम करोगे। और जिस सीरियल के टाइम में बात कर रहे हैं, हम लोगों का बंगाल में एक चैनल है स्टार का ही, बंगाली चैनल जिसको बोलते हैं स्टार जॉलशा, क्योंकि जैसे कि जी का बंगाली चैनल होता है, हिंदी चैनल होता है, वैसे स्टार का भी बहुत सारे चैनल है। तो स्टार का बंगाली चैनल था, बहुत बड़ी सीरियल थी जिससे मुझे चांस मिला, और ये मेरा मतलब इंडस्ट्री में आना। उसके बाद धीरे धीरे वहीं पे एक प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है एसके मूवीज़, जिसका मालिक है अशोक धानू का। अचानक मुझे बुलाया और बोला के तुम भोजपुरी में काम करोगे। तो मैंने बोला सर मुझे ना लैंग्वेज आते हैं, और सही में थोड़ा होते ना कि एक चिंता कुछ अलग था भोजपुरी को लेकर, कि ज़्यादा वल्गरिटी होगा, फिर ज़्यादा वो पकड़ना ये वो ज़्यादा होता है, तो एक होता है कि ऐसा सोच था। तो जब लाल बहू पंडित फर्स्ट टाइम आए मिले, तो उन्होंने मुझे खेसारी जी के बारे में कहा, बहुत सारे वीडियोस देखा, होता है ना कि आप जिस इंडस्ट्री से हो उसी के बारे में ज़्यादा पता होता है, जिस इंडस्ट्री में नहीं हो ज़्यादा पता नहीं होता है। तो फिर खेसारी जी का ठीक है गाना तो हम सुन लेते थे, पर देखा नहीं हमने। तो अचानक सब कुछ दिखाया उन्होंने, तब जाके मुझे थोड़ा लगा कि ठीक है मैं कर पाऊँगी, और मेरा पहला काम शुरू हुआ कूली नंबर वन। मुझे आज भी याद है, फर्स्ट डे शूट था, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी भोजपुरी बोलना। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जैसे मैसेज में बात करते हैं लिख के, वैसे ही मैंने भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसको अपने बंगाली में लिख लिया, और लिखने के बाद वो डायलॉग आज भी मैं वही करती हूँ देखा जाए तो। और ऐसे ही मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री में आना। बाकी मेरा लक है कि आफ्टर मैं कुली नंबर वन में सेकेंड हीरोइन थी, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म एक साजिश जाल से मुझे मेन लीड में मिल गया, मेरा एक्टिंग देख के काम को मतलब अच्छा है देख के ऐसे। तो ऐसे ही मेरा भोजपुरी में भी शुरू हो गया। कितनी लैंग्वेज में काम कर चुकी हूँ मैं? लैंग्वेज में काम कर चुकी हूँ तीनों लैंग्वेज, एक देखा जाए तो बंगाली में करती हूँ, एक हिंदी मेरा रिलीज हुआ है राज नंदिनी नाम के, उसमें, और भोजपुरी। हिंदी में भोजपुरी मतलब आपके लिए सबसे ज्यादा आज की डेट में मतलब क्या भोजपुरी को लेके आपका थॉट क्या है? पहले कुछ और था, क्या है आपका थॉट? जो मैं बात कह रही थी कि वो जो सोच था मेरा, जो लोग नहीं जानते, वो जो सोच था, इनफैक्ट और भी बहुत सारे हीरोइन हैं जो लोग बंगाल से है अभी भोजपुरी में काम कर रहे, उन लोगों से भी मिलने के बाद सेम सोच उन लोगों का भी था और अभी चेंज हो गया, कि भोजपुरी को सोचते ही लोग ऐसे अलग सोच लग जाते कि नहीं ये है वो है। पर अभी जो भोजपुरी और पहला वाला जो भोजपुरी था बहुत डिफरेंट है। देखा जाए तो अभी हॉल में भी लड़कियां जाते हैं देखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी हो चाहे बंगाली हो, जब भी हॉल में रिलीज होता था सब लोग जाके देखते थे, पर भोजपुरी में हमने भी देखा और सुना भी कि लड़के लोग ही ज़्यादा जाते हैं। जो अभी जितना भी फिल्म आ रहा है सब लड़की लोग जाके देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। घर के घर संभालने वाली जो भी है सबको लगता है कि चलो काम करने के बाद थोड़ा हम भी देखें, ये जो चेंज हुआ ना ये बहुत बड़ी बात है भोजपुरी के लिए। लास्टली फरिश्ते अब आपकी फिल्म आ रही है थिएटर में, अब आएगी, तो ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे अपने चाहने वालों से? हाँ, मैं तो ऑडियंस से ये ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके आपने खेसारी जी को प्यार दिया है, जिस तरीके से मेगाश्री को प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने लाल बहू पंडित जी को प्यार दिया अपना डायरेक्टर, उसी तरीके से मुझे भी प्यार दीजिए। फरिश्ते जब रिलीज़ होगा देखिए, सामने मेरा गाना भी रिलीज़ हो रहा है देखिए, और बहुत बहुत आशाएं हैं और आप लोगों का सपोर्ट है चाहिए, बस उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।
हेलो, मैं हूँ पूजा गांगुली और आप देख रहे हैं भोजपुरी बातें।